सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वैलोरेंट मोबाइल, वॉरजोन मोबाइल प्लस एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल के बारे में। एंड सिर्फ ये तीन ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे गेम्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक भी कर देना। तो नाउ वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। गेमिस्टिक भाई को आप लोग जानते ही होंगे, ये एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल से रिलेटेड जो है अपने चैनल के ऊपर कंटेंट अपलोड करते थे, एंड ये ALM के वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स में से एक मुझे पर्सनली लगते हैं। बट रिसेंटली इनके साथ जो है एक ट्रेजेडी हुई है, एंड इनका जो मेन चैनल था पहले वाला वो जो है अब लाइक उस पे वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं वीडियोस डालना। तो इसलिए इन्होंने जो है एक नया चैनल ओपन किया है, उस चैनल का नाम सेम गेमिस्टिक ही इन्होंने रखा हुआ है। तो उनके चैनल को जाके आप प्लीज से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने रिसेंटली इससे रिलेटेड एक पोस्ट भी डाला था, बट मैंने सोचा कि वीडियो में बोलूंगा तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो प्लीज से जाइएगा, इनको अभी सपोर्ट कीजिएगा, एंड आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि अगर आप इनकी वीडियोस देखते हो तो आपको डेफिनेटली वो पसंद आने वाली है। तो हाँ, इतना ही मुझे बोलना था। नाउ फाइनली वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अभी बात करते हैं वैलो मोबाइल के अल्फा वर्जन के रिलीज डेट के बारे में। तो जी हाँ गाइस, अभी वॉरजोन मोबाइल के अल्फा से रिलेटेड तो हमें लीक देखने के लिए मिली ही थी, बट रिसेंटली वैलोरेंट मोबाइल के भी प्री अल्फा की रिलीज डेट के बारे में भी हमको जो है एक लीक आप बोल सकते हो कि मिली है, जिसको कि गिव मी स्पोर्ट नाम की एक वेबसाइट ने भी पोस्ट किया हुआ है अपने एक न्यूज आर्टिकल में, जो कि एक काफी ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स माना जाता है ई स्पोर्ट्स प्लस स्पोर्ट्स के उसमें लाइक न्यूज के फील्ड में। तो लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये अपडेट जो है 13 जनवरी को आया 2022 में ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने लिखा हुआ है, Riot Games is currently hiring for a senior game designer role. It looks as through per the job requirements that Valorant Mobile will be able to be released pre-alpha by the second quarter of 2022. तो अभी currently Riot Games जो है senior game designer के रोल के लिए अपनी जॉब लिस्टिंग को रिसेंटली उसने पोस्ट किया हुआ है, एंड एज पर द जॉब लिस्टिंग इन लोगों का ये assumption है कि Valorant Mobile का जो प्री अल्फा लॉन्च रहेगा ना वो हमें 2022 के सेकेंड क्वार्टर तक में देखने के लिए मिल सकता है। अब प्री अल्फा होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली गेम का एक टेस्टिंग वर्जन होता है जिसको बहुत ही ज्यादा कम लोग खेल पाते हैं, एंड डेवलपर जो है सिलेक्ट करके ही लोगों को इसको जो है प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो लोग जो है गेम को लाइक टेस्ट कर सके, एंड डेवलपर्स को वो बेसिकली फीडबैक देख सके। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था गेम थोड़ा बहुत जो है डिले होने ही वाला है। नाउ लेट्स सी भाई क्या होता है। मेरा तो वैसे ये भी असम्पशन है कि हाइपर फ्रंट की वजह से इन लोगों को अपना गेम जो है जल्दी लॉन्च करना पड़ेगा, बिकॉज इतना जल्दी अभी आप लोग देख ही रहे हो सॉफ्ट लॉन्च भी गेम का हो चुका है, अभी बाकी है तो इसका ग्लोबल रिलीज बाकी है जो कि एक्सपेक्टेडली जो है हमें मार्च अप्रैल तक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वैलो मोबाइल को भी इस टाइम में आना ही पड़ेगा भाई, लाइक कुछ भी करके इनको लोगों को रिलीज करना ही पड़ेगा, नहीं तो हाइपर फ्रंट इनकी बहुत ही ज्यादा लाइक मेजर ऑडियंस को जो है छीन के ले जाएगा, क्योंकि वैलो मोबाइल जब रिलीज होगा तो उतना ज्यादा पॉलिश्ड नहीं होगा और जो हाइपर फ्रंट रहेगा वो काफी ज्यादा पॉलिश्ड रहेगा, एंड तब के टाइम जो है लोग हाइपर फ्रंट को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू वैलो मोबाइल जो कि ओरिजिनल रहेगा। अगर हाइपर फ्रंट टेक डाउन नहीं होता है तो टेक डाउन हो जाता है तब तो राइट गेम्स उसको और डिले कर देंगे वैलो मोबाइल को। तो हाँ, इतनी कुछ न्यूज बतानी थी वैलो मोबाइल के बारे में। अभी बात करते हैं हमारे अगले गेम के बारे में जो कि है वॉरजोन मोबाइल। तो गाइस, रेड मैजिक को तो आप लोग जानते होंगे, ये लोग बेसिकली फोन्स बनाते हैं। तो इन लोगों ने रिसेंटली अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट करा हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है, व्हाट नॉन मोबाइल गेम डू यू वांट टू सी गेट पोर्टेड टू एंड्रॉइड दिस ईयर, यानी कि कौन सा ऐसा नॉन मोबाइल गेम है जो कि अभी तक मोबाइल पे रिलीज नहीं हुआ है, वो कौन सा ऐसा गेम है जिसको कि आप देखना चाहोगे मोबाइल के ऊपर। और इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक इमेज को भी अटैच नीचे करा हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन लिखा हुआ है। तो गाइस, ये हमें काफी बड़ा हिंट देती है रेड मैजिक की कंपनी की, वॉरजोन मोबाइल हमें इस साल ही देखने के लिए मोस्ट प्रोबेबली देखने के लिए मिल सकता है, बट हाँ वो तो आप लोगों को मालूम ही है। बात करें इसके क्लोज बीटा की रिलीज डेट के बारे में, तो वो प्रोबेबली हमको जो है मार्च में देखने के लिए मिल सकती है। लाइक आप एज्यूम करके चलो कि इसका जो हमें फर्स्ट क्लोज बीटा रहेगा वो हमें मार्च टू अप्रैल में देखने के लिए मिल सकता है। और 3 फरवरी भाई बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रही है डेट, आप सभी को पता ही होगा 3 फरवरी को क्या होने वाला है। जिन्हें नहीं पता भाई तो उनको मैं बता दूं कि 3 फरवरी को जो है एक्टिविजन का कॉन्फ्रेंस कॉल इवेंट होने वाला है। तो अब आप लोग समझ ही सकते हो कि उस दिन क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है। मैं तो देखो यही चाहूंगा कि वो कॉडम 2 को जल्द से जल्द अनाउंस करे, हमको इसके बारे में बताए कि भाई क्या होने वाला है, हमको कॉडम 2 में क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, लाइक उसमें मल्टीप्लेयर होगा कि नहीं, VR होगा कि नहीं, ज़ॉम्बीज होगा कि नहीं, एंड अगले महीने मार्च में इसका बीटा भी रिलीज कर दे भाई, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एंड अभी जस्ट रिसेंटली मैंने iFargo का भी एक ट्वीट देखा जिसमें कि उन्होंने लिखा आई गॉट बैंड इन कॉड मोबाइल, और इमेज में हम लोग देख सकते हैं भाई 2032 के लिए उनको COD मोबाइल ने बैन लगा दिया। तो मुझे काफी फनी
फनी लगा देखने में, इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया। नाउ अभी बात करते हैं हमारे अगले गेम के बारे में, जो कि है Apex Legends Mobile। तो वीडियो में आगे जो मैं आपको लीक दिखाने वाला हूं, उसका क्रेडिट जाता है मिस्टर स्पिरिट गेमिंग को। तो भाई ने रिसेंटली डेटा माइनिंग करना शुरू किया है एंड शुरू करते ही उनको जो है काफी तगड़ा लीक मिल गया है। तो इनको जो है गेम की फाइल्स के अंदर में सिंगापुर नाम की भी एक फाइल देखने के लिए मिली थी। एंड और भी ज्यादा डेटा माइनिंग करने के बाद इनका ये असम्पशन है कि Apex Mobile का हमको जो है अभी एक और प्राइवेट बीटा देखने के लिए मिल सकता है, अभी डायरेक्टली सॉफ्ट लॉन्च नहीं आने वाला है। ना वो किसके लिए होने वाला है, क्या वो कोरिया के लिए होगा या फिर सिंगापुर, वो अभी तक क्लियर नहीं है भाई। बट हाँ, Apex Mobile से रिलेटेड हमको एक गुड न्यूज भी देखने के लिए मिली है कि अभी जो बेसिकली जो गेम है हमारा, वो जो है अब काफी लो एंड डिवाइसेस में भी सपोर्ट करना चालू हो चुका है, लाइक 4GB रैम वाले एंड Snapdragon 625 वाले फोन में भी अब ये कंपैटिबल दिखा रहा है। लाइक जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो, इस बंदे के फोन में गेम पहले कंपैटिबल नहीं बताता था, इसका Redmi Note 5 Pro था, बट अभी इसके फोन में भी गेम कंपैटिबल हो चुकी है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा सेम हुआ है कि लाइक पहले गेम जो है इनकंपैटिबल बताती थी आपके फोन में एंड अभी जो है कंपैटिबल दिखा रही है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर नहीं, वो कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज आ रही है कॉम्बैट मास्टर गेम की तरफ से, जिसको कई लोग मॉडर्न वॉरफेयर मोबाइल भी बोलते हैं। तो इस गेम के जो डेवलपर्स हैं अल्फा ब्रावो, उन्होंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर बेसिकली एक पोस्ट डाली है जिसके अंदर उन्होंने बोला हुआ है वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ अ न्यू इन गेम आइटम एज वेल। और यहाँ पे जब हम इमेज यहाँ पे देख सकते हैं जो कि उन्होंने अटैच करी है, वो है एक लाइक कैरेक्टर हमारा पैराशूट होल्ड करे हुए, जिसको कि देख के लगता है कि प्रोबेबली कॉम्बैट मास्टर में जो है फ्यूचर में जाके हमें एक बीआर मोड भी देखने के लिए मिल सकता है। और गेम के कई सारे प्लेयर्स भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो है गेम के अंदर एक बीआर मोड भी आना चाहिए, तो हो सकता है कि डेवलपर्स उसको ऐड करने के बारे में सोचे। इसके बाद अगली न्यूज आ रही है एवेटार रेकनिंग से। तो आप लोगों को याद होगा मैंने अपनी लास्ट गेमिंग न्यूज की वीडियो में बताया था कि एवेटार वालों ने जो है अपना एक नया गेम अनाउंस कर दिया था जो कि था एवेटार रेकनिंग, और उन्होंने बोला था कि वो इस साल में इस गेम को रिलीज कर देंगे भाई। लेकिन वो लोग तो और भी ज्यादा तेज निकले, उन्होंने उसके कुछ दिनों बाद ही उसका जो है क्लोज बीटा लॉन्च कर दिया, जिसको कि अभी आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर और टैप स्टोर दोनों से ही। बट गेम में ना एक प्रॉब्लम आ रही है, कनाडा का वीपीएन लगाने के बावजूद भी गेम जो है चल नहीं पा रहा, उसके सर्वर जो है अभी तक फुल्ली लोडेड नहीं हो पाए लाइक आप बोल सकते हो। तो अभी पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम कब तक फिक्स होती है, बट हाँ अगर गेम किसी को डाउनलोड करनी हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ अभी बात करते हैं हमारी अगली न्यूज के बारे में, जो कि आ रही है फॉल गाइज मोबाइल से। तो जी हाँ गाइज, इतने टाइम के बाद फाइनली फॉल गाइज मोबाइल से रिलेटेड हमको एक ऑफिशियल न्यूज देखने के लिए मिल रही है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, छोटी सी ही है, एगी पार्टी गेम जो है हमारा फॉल गाइज का क्लोन है जो कि मोबाइल के लिए है, उसका जो है अभी एक और नया बीटा लॉन्च हो चुका है, तो उसको भी आप प्ले स्टोर से आके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ अभी फाइनली बात करते हैं फॉल गाइज मोबाइल की एक ऑफिशियल न्यूज के बारे में। तो बेसिकली जो फॉल गाइज का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उन्होंने कुछ ही टाइम पहले एक ट्वीट करा हुआ है जिसके अंदर उन्होंने बोला है डू यू हैव गेम्स ऑन योर फोन, और उसके नीचे एक इमेज भी है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एयरप्लेन के अंदर एक लड़की बैठी हुई है एंड उसके बगल से जो है उसकी खिड़की में से फॉल गाइज का कैरेक्टर निकल के आ रहा है। तो अगर आप मुझे पहले से देखते हुए आ रहे हो तो आपको याद होगा फॉल गाइज ने ऐसा एक पहले भी काफी टाइम पहले एक्चुअली एक ट्वीट किया था ऐसा ही सेम। अभी इसी ट्वीट को एक बार वापस से करना लाइक थोड़ा सा यहाँ पे सस्पिशियस लगता है मुझे। देखो मुझे नहीं पता कि गेम का लॉन्च इस साल होएगा या फिर नहीं, लाइक इसका बीटा भी लॉन्च होएगा या फिर नहीं, लेकिन हाँ एक ऑफिशियल हिंट मिला है हमें डेवलपर्स की तरफ से एक बार फिर से, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, आपको भी थोड़ा खुशी दे दूं। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, और कोई सजेशन वगैरह देना चाहो तो वो भी बता सकते हो। बाकी हाँ इस वीडियो के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलूंगा मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।